अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब मैं आज आपको इसके मैं फोर्स दिखाऊंगा यूनाइटेड ब्रावो के। जो अगर ये सैंपल वर्जन है, अगर सैंपल वर्जन इन्होंने इस तरह भेजा है तो बहुत ही इंतहाई घटिया भेजा हुआ है। मैं आपको सैंपल वर्जन इसका मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप ये फोर्स चेक करें इसके, और ये इसकी चेसिस आप लोग चेक करें तो ये इन्होंने चेसिस, यानी जब यहाँ पर आप पानी धोएंगे गाड़ी को तो ये पानी यहाँ से इंटर होगा और चेसी में जंग लगेगा। इनको चाहिए था कि यहाँ पे स्पॉट लगाएं, बकायदा इसको क्लोज होना चाहिए। ये मैं चेक करा दूँ, इनकी फिनिशिंग आप चेक करें, ये आप चेक कर सकते हैं, ये गाड़ी बिल्कुल न्यू है। और ये देख लें आप इसके, इस गाड़ी का काम आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी ये हिसाब है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी। और इसका जो दूसरा बड़ा मेन फॉल्ट है वो ये चीज़ है, आप ये देख लें यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पेस दी हुई है। इवन कि अगर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हो उसमें इतना स्पेस नहीं होती जिस तरह यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई दे रही है। यानी इवन आप जब गाड़ी धोएंगे या कुछ भी है, यहाँ से बकायदा पानी अंदर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसका अगर आप पेंट देख लें, अगर पेंट में आपको यहाँ पर जाले नज़र आ रहे होंगे, यानी अगर पेंटेड गाड़ी भी कोई इस तरह नहीं करता जैसा इन्होंने की है। ये आप देख सकते हैं, इसका रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ जो उस पर फॉल्ट हैं। आपको आओ ये फॉल्ट बकायदा चेक कर लें, कोई में फेक स्कैम नहीं है। वीडियो गाड़ी भी बिल्कुल वही है, ब्रावो है। आप ये चेक कर लें ब्रावो को, ये इसका बड़ा मेन फॉल्ट है। ये आप देख लें गाड़ी फुल बकायदा क्लोज है गाड़ी। और ये इसकी दूसरी चीज़ें देख लें, ये बम्पर में ये जैसे डुप्लीकेट बम्पर जब होता है इस तरह उसमें ये नज़र आ रहा होता है। इनको कम से कम फिनिशिंग अच्छी देनी चाहिए। ये आपकी यानी ओरिजिनल अगर बम्पर इस तरह है तो डुप्लीकेट बम्पर किस तरह का होगा आपका। आप लोग ये इसकी हेडलाइट्स चेक करें, हेडलाइट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्पेस दी है। क्या ये फिनिशिंग है आप ये मुझे बता दें। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको अगर क्लियर नज़र आ रहा हो, ये देख लें कितनी स्पेस है यहाँ पर मेरी लाइट की, अगर रोशनी में अगर आपको नज़र आ रहा है ये आप चेक कर सकते हैं। बकायदा एक फिनिशिंग होनी चाहिए यहाँ तक कि यानी कि ये देख लें कितनी यहाँ पे स्पेस दी है कि हेडलाइट यहाँ पर टच नहीं हो रही इसको बिल्कुल भी। ये आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना जंग लगा हुआ है गाड़ी में, ये चेक कर रहे हैं आप। ये आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, ये आप चेक कर लें, ये चेक कर सकते हैं आप। ये एक और पॉइंट मैं आपको चेक कराता हूँ इसका, ये जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो आप इसकी साउंड देखना स्टार्ट करें, ये आप चेक करें। और ये इसकी वाइब्रेशन आप चेक करें स्टीयरिंग की, अगर आपको ये नज़र आ रही हो। हाँ, ये आप स्टीयरिंग को नोट कर सकते हैं, इसकी आप वाइब्रेशन चेक करें अभी देखें। और आप एसी चलाएं, ये आप साउंड चेक करें। एसी चला रहा है लेकिन 7.8 का जलजला आ रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। गाड़ी लुकिंग वाइज उन्होंने अच्छी बनाई है लेकिन मटेरियल इन्होंने बहुत ही घटिया दिया हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी ये फिनिशिंग, ये देखें ये प्लास्टिक आप चेक कर रहे हैं इसको, ये आप चाबी बकायदा देख लें किस तरह वाइब्रेट कर रही है। छोड़ दे छोड़ ओके।